लेंज लॉ एंड एनर्जी कंजर्वेशन। तो लेंज लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद एनर्जी कंजर्वेशन, तो ये एक्सप्लेन करने को आता है। देखो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपने एक एग्जाम्पल देना है। एग्जाम्पल आपने वही देना है कि जैसे सपोज करो आपके पास एक 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 क्वाइल है, ये रहा क्वाइल, आप इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसके पास लेके आ रहे हैं, तो ये क्या डेवलप कर लेगा, करंट ऐसे घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज कि क्या डेवलप हो जाएगा यहाँ पर नॉर्थ, ताकि नॉर्थ नॉर्थ को क्या कर सके, रिपेल। तो हो क्या रहा है, जब आप मैग्नेट को पास लेके आ रहे हैं, नॉर्थ पास आ रहा है, तो एक करंट घुमा के नॉर्थ पैदा कर लेगा और आपको अपोज करेगा, तो आपकी देखो और एनर्जी लगेगी, मैकेनिकल एनर्जी बढ़ेगी आपकी, आपको जान लगानी पड़ेगी और, ताकि मैग्नेट पास आए। आप जैसे ही जोर लगाओगे, स्पीड बढ़ाओगे, ये करंट और पैदा कर लेगा, और स्ट्रॉन्ग नॉर्थ करेगा आपको अपोजिशन के चक्कर में, आपकी और एनर्जी लगेगी, ये और करंट पैदा कर लेगा, और एनर्जी लगेगी, और करंट पैदा कर लेगा अपोजिशन के चक्कर में, तो आपकी मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो रही है। उल्टा कर लो, जब नॉर्थ दूर जा रहा है तो साउथ पैदा कर लेगा करंट घुमा के, साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, तो खींचना मुश्किल हो जाएगा, आप खींचेंगे आपकी एनर्जी लगेगी, तो वही एनर्जी फिर से किसमें पैदा होती जा रही है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एग्जांपल लिखना है आपने, जिसमें व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स द क्वाइल, द अपर फेस ऑफ द क्वाइल एक्वायर्स नॉर्थ पोलैरिटी, वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन इन ब्रिंगिंग द मैग्नेट क्लोजर टू द क्वाइल। अगर नॉर्थ पास आ रहा है तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा क्वाइल मैग्नेट को पास लाने के लिए। तो ऐसे अगर नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो साउथ पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, वर्क डन करना पड़ेगा मैग्नेट को दूर लेके जाने के लिए। दोनों केस में आपकी मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दिस इज इन अकॉर्डेंस विद एनर्जी कंजर्वेशन।